तो क्या तुम लोग को पता है, तुम लोग एक सिंपल सी ट्रिक इस्तेमाल करके ना तुम लोग क्लॉक टावर के नीचे आ सकते हो कुछ ऐसे, और यहाँ पे आने के बाद तुम लोग काफी सारे बंदे मार सकते हो और बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश करके ना ग्रैंड मास्टर तक जा सकते हो। और क्या तुम लोग को पता है, अपने गेम में एक ऐसा बग है ना जिसका इस्तेमाल करने के बाद तुम लोग बहुत ही आराम से पानी में दौड़ पाओगे, पानी में से गोलियां मार पाओगे और पानी में बैठ पाओगे, मतलब कुछ ऐसे तुम लोग देख ही पा रहे हो। और यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश तक कर सकते हो। ऑरलैंडो कैसे हो तुम लोग? तो फिर से तुम्हारा भाई ना तुम लोग के लिए काफी सारे न्यू ट्रिक्स, ग्लिचेस, बग्स और हिडन प्लेसेस लेके आ चुका है, जिनको देखने के बाद तुम लोग काफी आराम से ना अपना ग्रैंड मास्टर तक पुश कर पाओगे। तो बस तुम लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और हाँ, अगर तुम लोग चैनल पर नए आ रहे हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो भाई, अपने सबसे पहले वाले ट्रिक को करने के लिए तुम लोग को इस वाले घर पे आ जाना जो कि क्लॉक टावर के साइड में होता है, तुम लोग देख ही पा रहे हो। और यहाँ पे आने के बाद ना तुम्हारे पास सेंटिनो करेक्टर होना चाहिए जो अपना पुतला वाला होता है, देन तुम लोग इस वाले बेड पे आना है। और यहाँ पे आने के बाद तुम लोग को जंप करके सेंटिनो करेक्टर कुछ ऐसे छोड़ देना है, और तुम्हारा ट्रिक वर्क हो गया। तुम्हें कैसे पता चलेगा? जब तुम्हारा करेक्टर का पैर ऊपर होगा, देन तुम लोग एक बार जंप करके फिर से स्किल पे क्लिक करना, देन तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम लोग ना इस वाले घर के छत के ऊपर आ चुके हो। और यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग काफी आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो और काफी सारे किल कर सकते हो। और ना अगर तुम लोग यहाँ पे आ जाते हो तो यहाँ पे तुम लोग को कोई बंदा देख भी नहीं पाएगा, मतलब कोई बंदा सोच नहीं सकता ना कि इसके ऊपर भी कोई बंदा हो सकता है। तो यहाँ से तुम लोग काफी आराम से अपना रैंक पुश कर पाओगे और बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश करके काफी सारे किल के साथ सर्वाइव कर पाओगे। और हाँ, अगर तुम लोग सोलो में इस वाले ट्रिक का इस्तेमाल करते हो ना, तो सोलो में भाई अपने गेम को बुआ तुम लोग बहुत ही आराम से कर सकते हो। तो इस वाले बग को एक बार जरूर ट्राई करना तुम लोग। तो अपने अगले वाले ट्रिक को करने के लिए ना सबसे पहले तुम लोग को आ जाना हैंगर पे, देन तुम लोग इस वाले रिवाइव पॉइंट के पास आ जाना है, फिर तुम्हारा जो दिख रहा है ना कंटेनर साइड में यहाँ पे आ जाना है, देन तुम्हारा अपना मिनी वाला लॉन्च पैड होना चाहिए, मतलब ये वाला लॉन्च पैड तुम लोग देख ही पा रहे हो, इसको लेना है। देन तुम लोग यहाँ पे अपने लॉन्च पैड को ना दो तीन बार टैप टैप करके लगा देना है, एक्सटेंड टैप करोगे तुम्हारा लॉन्च पैड यहाँ पे लग जाएगा। और जैसे तुम्हारा लॉन्च पैड लग जाता है ना, तुम लोग इसके ऊपर चढ़ना है, देन तुम लोग को उतर जाना है। उसके बाद तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम लोग ना पूरा कंटेनर के अंदर ही आ चुके हो। और यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग काफी आराम से यहाँ पे जो भी बंदे दिल में रिवाइव करने के लिए आएंगे उन्हें तुम लोग बहुत आराम से मार पाओगे, और हाँ साथ ही साथ यहाँ से तुम लोग अपने टीममेट्स को रिवाइव भी कर पाओगे और भी इसके अंदर से ही। तो सिंपली ना तुम लोगों को करना है कि तुम लोग यहाँ पे आना है, देन तुम लोग थोड़ा सा आगे कुछ ऐसे बैठ जाना है, पूरा ऊपर की साइड आगे, मतलब आगे की साइड इस वाली साइड जहाँ पे मैं बैठा हूँ, तुम लोग यहीं पे आगे बैठ जाना है, देन तुम लोग को थोड़ा सा अंदर चले जाना है। उसके बाद तुम लोग देख ही पा रहे हो यहाँ पे तुम्हारा दिल वाला सिंपल बन चुका है, यानी तुम्हारे टीममेट्स रिवाइव हो रहे हैं और तुम लोग यहाँ पे सेफ भी हो, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा भी आएगा तो तुम्हें नहीं देख पाएगा और तुम्हें मार नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें मतलब वो वाला बंदा तुम्हें देखेगा नहीं तो तुम्हें मारेगा कैसे। मतलब ये वाला ट्रिक इस्तेमाल करके तुम लोग काफी आराम से अपने टीममेट को रिवाइव कर सकते हो और अपना रैंक पुश कर सकते हो। तो अपने अगले वाले ट्रिक को करने के लिए ना सबसे पहले तुम लोग किसी भी पानी वाले एरिया में आ जाना, देन जैसे तुम लोग यहाँ पे आते हो ना, तुम लोग को सर्फबोर्ड पहना है, फिर तुम्हारा जो सर्फबोर्ड का उतरने का बटन होता है और जो तुम्हारा मिनिमाइज का बटन होता है, दोनों को एक ही साथ टैप करना है, देन तुम लोग को वापस आना है। जैसे तुम लोग वापस आओगे ना गेम में, तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम लोग ना पानी में कुछ ऐसे खड़े हो चुके होगे, और जैसे तुम लोग यहाँ पे खड़े हो जाओगे तुम लोग लिटरली अब तुम लोग पानी में चल सकते हो, दौड़ सकते हो और पानी में अपने सर्वाइव करके रैंक पुश कर सकते हो। यहाँ तक कि ना तुम लोग पानी में बैठ के ग्लूबल भी लगा सकते हो और साथ ही साथ काफी सारे बंदों को मार भी सकते हो, क्योंकि कोई बंदा सोच नहीं सकता कि पानी में भी बंदे हो सकते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग किसी भी पानी वाले एरिया पे जाके बैठ सकते हो और काफी सारे किल कर सकते हो यहाँ से। और हाँ, एक बात तुम लोग याद रखना, अपना लास्ट वाला जो है ना कभी कभार तो ये पानी वाले ब्रिज पे बन ही जाता है। तुम लोगों ने गेम खेला होगा तो तुम्हें पता होगा कि काफी बार ना अपना जोन यहाँ पे बन जाता है पानी में, तो पानी में आके तुम लोग बहुत ही आराम से सर्वाइव कर पाओगे और यहाँ से सभी बंदों को मार के भूया भी कर पाओगे अपने गेम को। तो इस वाले बग को ना जरूर एक बार ट्राई करना तुम लोग। तो अपने अगले वाले ट्रिक को करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को आ जाना है पोचिनोक वाले ब्रिज पे, देन तुम लोग को आ जाना है इस वाले पिलर के पास और इसके ऊपर चढ़ जाना है कुछ ऐसे तुम लोग को, देन तुम लोग इस वाले सिंबल पे उतरना है। और जैसे यहाँ पे तुम लोग उतर जाओगे ना, तो देन तुम लोग को यहाँ पे लेट जाना है, और लेटने के बाद तुम लोग को थोड़ा सा आगे जाना है, और आगे आने के बाद ना तुम लोग को सिंपली खड़े हो जाना है या तुम लोग को बैठने वाले बटन पे एक बार और टैप करना है, देन तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम लोग ना इसके अंदर आ चुके हो, पूरा पिलर के अंदर हो। यहाँ पे आने के बाद ना तुम लोग बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो और काफी सारे किल के साथ अपने गेम को बुआ भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना कोई बंदा नोटिस नहीं कर सकता कि इसके अंदर भी कोई बंदा छुप के बैठ सकता है। और अगर तुम्हारे टीममेट्स मर जाते हो तो भी तुम लोग यहाँ पे बहुत ही आराम से सर्वाइव करके अपना रैंक पुश कर पाओगे, या फिर तुम लोग ना अपने सोलो रैंक में भी अपना सर्वाइव करके रैंक पुश कर पाओगे। तो इस वाले बग को भी जरूर एक बार ट्राई करना, इस वाले बग को करने में तुम लोग को काफी ज्यादा मजा आएगा और इससे आईडी बैन नहीं होगी, तो तुम लोग डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो, तो अभी जाके करो। तो अपना ये वाला ट्रिक ना काफी ज्यादा मजेदार और काफी ज्यादा खतरनाक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को आ जाना है पीक की इस वाले प्लेस पे, देन तुम लोग को हाथ में ग्लूबल लेना है, फिर तुम लोग देखना है ऊपर ना यहाँ पे जहाँ पे मैं कर रहा हूँ ना, यहाँ पे तुम लोग आसमान में ग्लूबल लगाने का ऑप्शन आएगा कुछ ऐसे तुम लोग देख पा रहे हो। यहाँ पे तुम लोग को लेना है अपने हाथ में टेलीपोर्टर को, और टेलीपोर्टर जैसे लेते हो तुम लोग को जहाँ पे भी ऑप्शन आएगा लगाने का तुम लोग को लगा देना है ऊपर, देन तुम लोग टेलीपोर्टर को यूज करना है। उसके बाद तुम लोग देख ही पा रहे हो तुम लोग बीच हवा में आ चुके हो बिना किसी ग्रिप के, मतलब ये वाला बग क्या ही काम करता है, तुम लोग देख ही पा रहे हो बिना मतलब किसी ग्रिप के हवा में
टेलीपोर्टर लग चुका है तुम लोग इसके ऊपर आ चुके हो, और यहाँ पे आकर तुम लोग काफी आराम से बैठ सकते हो। मतलब बंदे काफी कम ही नोटिस कर पाएंगे कि इसके ऊपर भी कोई बंदा हो सकता है, या फिर तुम लोग अपने फ्रेंड्स को शॉक करने के लिए इस वाले ट्रिक को कर सकते हो। तो एक बार जरूर इस वाले ट्रिक को भी ट्राई करना, तुम लोग को काफी ज्यादा मजा आएगा। तो ये अपना लास्ट वाला ट्रिक है, तो इसको करने के लिए सिंपली आ जाना है तुम लोगों को क्लॉक टावर पे। देन तुम्हारे पास अपना ये मिनी वाला लॉन्च पैड होना चाहिए, जो कि तुम लोगों को पता ही है कौन सा लॉन्च पैड होता है। तो यहाँ पे आने के बाद तुम लोगों को लॉन्च पैड हाथ में लेना है, देन तुम लोग अपने लॉन्च पैड को यहाँ पे दो तीन बार टैप टैप करके लॉन्च पैड लगा देना है। देन सिंपली तुम लोग इसके ऊपर चढ़ना है और उतर जाना है। देन तुम लोग देख ही पा रहे हो ना, तुम लोग क्लॉक टावर की इस वाली बिल्डिंग के अंदर पूरा आ चुके हो, और यहाँ पे आने पर तुम लोग काफी आराम से अपने रैंक बूस्ट कर सकते हो और काफी ज्यादा किल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा तुम्हें देख नहीं सकता और नोटिस नहीं कर सकता है। और हाँ, एक बात तो याद रखना, तुम लोग यहाँ पे अपना लास्ट वाला जोन काफी बार बनेगा, मैं लिटरली बोल रहा हूँ ना, काफी बार बनेगा यहाँ पे अपना लास्ट वाला जो, क्योंकि देख ही पा रहा हूँ यहाँ पे मैं सर्वाइव करके यहाँ पे आ चुका हूँ और मैं रैंक गेम खेल रहा हूँ। यहाँ पे सर्वाइव करने के बाद लास्ट वाला जो यहीं पे बन चुका है और एक ही बंदा लाइव है, यानी मैं आराम से, बहुत ही आराम से इस बंदे को मार सकता हूँ इस वाली जगह से। तो ये वाला बग ट्राई करके तुम लोग भी बहुत ही आराम से अपना रैंक पुश कर सकते हो, काफी सारे किल कर सकते हो। और हाँ, ये वाला ट्रिक तुम लोग सोलो में इस्तेमाल करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या फिर तुम लोग स्क्वाड में भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये वाला ट्रिक गजब है भाई। तो एक बार जरूर ट्राई करना तुम लोग इस वाले ट्रिक को। तो बस आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है कि तुम लोग ये वाली वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है तो इतना तो तुम लोग कर ही सकते हो। तो बस अभी के लिए बस इतना ही बोलना था, तो वीडियो खत्म, भागो यहाँ से।